नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में कानपुर रोड कृष्णा नगर स्थित श्री सहस्वीर बाबा मंदिर प्रांगण में आज 5 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कृष्णा नगर की ओर से विगत 23 वर्षों से मनाए जा रहे दुर्गा पूजा में इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरा प्रांगण सजधज कर तैयार है और आज शाम माँ दुर्गा की श्रृंगार आरती आकर्षण का केंद्र रहेगी। दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। सहस्वीर बाबा मंदिर प्रांगण में कलश स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा के साथ 5 दिवसीय 23वीं माँ दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। दुर्गा पूजा महोत्सव में श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कृष्णा नगर की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर बच्चों के डांस कॉम्पिटिशन, म्यूजिकल चेयर स्लो साइकिलिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में झूला, मिक्की माउस, जंपिंग, स्लाइडिंग, बाइक इत्यादि कई झूले आकर्षण का केंद्र रहेंगे। संस्था के अध्यक्ष दुलाल गाइड, उपाध्यक्ष विजय वर्मा, कोषाध्यक्ष अमित समाजपति, उप कोषाध्यक्ष एसके बैनर्जी, सांस्कृतिक सचिव विजय पांडे, राकेश गुप्ता, चंदन पांडे, अमिताभ चक्रवर्ती, हर्ष कुमार, विशाल थापा, रोहित शुभम, सुजीत सहित क्षेत्रवासियों के सहयोग से इस बार 23वां दुर्गा पूजा आकर्षण का केंद्र रहेगा। नमस्कार, मैं हूं उमेश विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। नवरात्र का आज 5वां दिन है। आप देख सकते हैं कि कृष्णा नगर क्षेत्र में सहस्वीर बाबा मंदिर प्रांगण में इस बार 23वां नव दुर्गा पूजा बड़े भव्य के साथ मनाया जा रहा है। आज तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कल माँ दुर्गा का कपाट खुलेगा। आप देख सकते हैं कि पंडाल सज धज के तैयार है और यहाँ पर माँ दुर्गा के भक्त जन माँ के दर्शन करने के लिए और क्षेत्र की जनता को माँ का दर्शन कराने के लिए आतुर हैं। इसी क्रम में हमारे साथ लोग हैं। भैया, क्या परिचय अपना दीजिए। अमित कुमार समाजपति जी। मैं यहीं पे रेलवे में भी जॉब करता हूँ, यहीं पे 23वां साल है, इसी से जुड़ा हुआ हूँ। और 23 साल से लगातार माँ का दरबार यहाँ सज रहा है और दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं। और क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस बार? इस बार देखिए, मैजिक शो है और झांकी भी है और माता की चौकी भी है और कुछ हमारे MG एकेडमी के कुछ बच्चे हैं जो डांस का भी परफॉर्मेंस करेंगे, जो भरतनाट्यम वगैरह भी है, और हो सकता कठपुतली का भी प्रोग्राम हो। जी जी। तो इसी बेस पे बच्चों का कंपटीशन वगैरह भी है, उसमें ड्राइंग कंपटीशन है, स्लो साइकिल रेस वगैरह भी है, छोटे छोटे बच्चों के डांस वगैरह भी हम लोग कराएंगे, जिसका प्राइस वगैरह भी हम लोग उनको देंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो 12 तारीख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों के जो भी परफॉर्मेंस होगा। स्लो साइकिल रेस है, उसके बाद जो लेडीज़ हैं जो उनके लिए भी म्यूजिकल चेयर वगैरह भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, उसमें 1st, 2nd, 3rd और कुछ कॉन्सोलेशन प्राइज वगैरह भी हम लोग देंगे। तो माँ का कपाट कल कई बजे खुलेगा? वो सुबह 6 बजे से पूजा शुरू होगी, बोधन। तो सुबह बोधन होके उसके बाद से प्रोग्राम शुरू होगा, माँ का पूजा पाठ जो भी होगा और अस्त्र शस्त्र भी लगाएगा और आपका माला वगैरह भी चढ़ा के कल से शुरुआत होगी माँ देवी का। आज माँ आ गई है सहस्वीर माँ सहस्वीर बाबा मंदिर प्रांगण में और कल माँ का दर्शन सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 23 इस बार 23वां साल है और पिछले साल जिस तरह से माँ भगवती का आयोजन पूजा अर्चना यहाँ की गई है, भव्य पंडाल सजा है, माँ का दरबार सजा है, तमाम नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं, एक तरह से देखा जाए आप लोगों द्वारा उनके प्रतिभा को निखारने का जो काम किया गया है, इस बार क्या खास होगा इस नव दुर्गा पूजा में? नहीं देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे छोटे छोटे बच्चे कहीं अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो पूरा मोहल्ला है हम लोगों का, ये छोटे बच्चों का एक घर है। बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा होगा, वो डांस का परफॉर्मेंस वगैरह जो है घर पे अपने माँ के सामने ही करता है या बच्चा गाना वगैरह जो भी गाता है, तो वो हम लोग ये स्टेज उसको देते हैं कि वो बच्चा किसी तरह से उसमें अपना निखार ला सके। तो हमारा पूरा मोहल्ला भी देखता है कि हाँ, बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा है।
ठीक है ना, तो उसी उत्सव को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग बच्चों का यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का डांस कराते हैं। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि जो बच्चे प्रतिभावान हैं, अच्छे डांसर हैं, अच्छे सिंगर हैं और तमाम विभिन्न विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें जो है अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और यहाँ से पुरस्कार भी जीतते हैं, प्राइज जीतते हैं, तो ऐसे बच्चों को एक और बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए आप लोगों की कोई योजना है? हम कोशिश तो यही करेंगे कि किसी तरह से जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे प्रोग्राम करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम, मतलब बाहर जितने भी प्रोग्राम होते हैं तो उनको भी उसमें भी उनको पार्टिसिपेट होने का चांस मिलता है। जब अगर देखिए होता क्या है कि अगर कोई भी स्टेज पे ऑर्डिनरी कोई जल्दी खड़ा नहीं हो पाता, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठीक है ना, अब जब वो यहाँ पे प्रैक्टिस करके बच्चा निकलेगा तो उसका ऑटोमेटिक वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो अच्छे से अच्छे प्रोग्राम को परफॉर्मेंस कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इंडियन आइडल वगैरह में बच्चे जाते हैं तो वो पहले शुरुआत अपने मोहल्ले से ही करते हैं, ठीक है ना, तो उसी तरह से हम लोग भी ये कोशिश करते हैं हमारे मोहल्ले का ये जो पूरा मोहल्ला है ये हम ही लोगों का घर है, ठीक है ना, बच्चों का घर है तो वो यहीं पर आके परफॉर्मेंस करें और अपना टैलेंट को शो करें और बढ़ाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा सराहनीय आप लोगों का कदम है और यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। मेले की खास क्या बात है, इस बार मेले में क्या क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको जिसका लुत्फ उठाने लोग यहाँ पर आवें और साथ साथ माँ का दर्शन भी करें? नहीं, लुत्फ उठाने का क्या, जैसे यहाँ पे एक आरती होती है हम लोग की जो बंगालीज में धुनुची डांस वगैरह कहा जाता है, तो उसके लिए भी काफी लोग उत्साहित रहते हैं कि वो चीज देखने के लिए। बिल्कुल सही बात, तो है धुनुची डांस है, धुनुची डांस है। हाँ, तो उसमें एक जो धुनो जो आता है कलकत्ता से मंगाया जाता है, हमारे पंडित जी लेके आते हैं, तो वो धुनो की खुशबू अगर आप घर पे भी लगाएंगे ना, घर भी शुद्धिकरण होता है उससे, तो उसकी खुशबू भी अगर आप सुनेंगे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेले में क्या क्या आयोजन किया गया है? मेले में क्या है कि काफ़ी लोग जो आते हैं उनके लिए छोटे छोटे मतलब खिलौने, जो बच्चों के खिलौने वगैरह हैं ये सब पूरा उसमें टॉयज़ हैं और झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, उसी का अपना एंटरटेनमेंट करते हैं बच्चे। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि सहसेवीर बाबा मंदिर प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस बार 23वां साल है, माँ भगवती का आगमन हो चुका है और कल का ऐसा सौभाग्यशाली दिन होगा, क्षेत्र की जनता माँ की दर्शन करेंगी और इसी क्रम में और भी लोग हैं, आप हैं, आपके द्वारा बता दें कि इस पूजन समारोह का एक तरह से कहा जाए कि कर्ता धर्ता हैं जी, क्या कहेंगे? हम तो पुजारी है, आज से शुरू हो गया बोधन का घर शुरू हो गया, काल आगामी काल जो है वो षष्ठी का पूजा शुरू होगा। निश्चित रूप से माँ भगवती का पूजा होगा, पूजा अर्चन होगा, वंदन होगा और तमाम कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। इसी क्रम में देखा जाए तो अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो इसके पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, क्षेत्र की जनता का उद्धार हो, उनकी उनकी माँ आए यहाँ पर और सभी क्षेत्रवासियों के कष्ट को दूर करें, उनके दुख को हरें, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हम तो यही माँ का जानते हैं, ये जो आदमी है यहाँ पर सबका सुख में रहेगा, सबसे ठीक अच्छा रहेगा, यही है। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि सहसेवीर बाबा मंदिर प्रांगण में माँ का दरबार सच के तैयार है, बस इंतजार है कपाट कल खुले और लोग हम सभी माँ का दर्शन करें। और इसी के साथ साथ शाम को यहाँ पर भव्य विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा जहाँ क्षेत्र के इस सहसेवीर बाबा मंदिर के इर्द गिर्द आशुतोष नगर, कृष्णा नगर, इंद्रलोक कॉलोनी इत्यादि क्षेत्रों के बच्चे जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो उनका आयोजन करेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे, निश्चित यह दृश्य भाव विह्वल कर देने वाला होगा, लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला होगा। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां हम अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार कैमरा घुमाएं और देखें, पूरा पंडाल सज धज कर तैयार है माँ के आगमन के लिए और
क्षेत्र की जनता यहां पर आएगी और मां का दर्शन करेगी और इसी के साथ साथ बच्चों के लिए सामने यह भैया सामने हटिए जरा, ये पंडाल यहां बना हुआ है, स्टेज बना हुआ है, यहां पर बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, प्राइज जीतेंगे और क्षेत्र की जनता का वाहवाहियाँ समझ लीजिए लूटेंगे। और इसी के साथ साथ सहस्य वीर बाबा मंदिर यहाँ क्षेत्र का बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर है, यहाँ की बड़ी मान्यता है और कहा जाता है कि यहाँ इस मंदिर प्रांगण में आने मात्र से ही मनुष्य के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और माँ भगवती इस नवरात्र में यहाँ पर विराजमान है, तो इससे बड़ा सौभाग्य का दिन और क्या हो सकता है। कल लोग दर्शन करेंगे, कल माँ का कपाट खुलेगा और निश्चित रूप से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया गया है, तरह तरह के दुकानें लगेंगे, तरह तरह के पकवान लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, बच्चों के लिए झूलों का प्रबंध किया गया है, तरह तरह के झूलों का प्रबंध किया गया है, निश्चित रूप से बच्चे भी आनंद लेंगे, बड़े बुजुर्ग भी एक तरह से देखा जाए कि माँ का दर्शन कर अपने को भाव विभोर महसूस करेंगे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नवरात्र पर्व एक ऐसा पर्व है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, जो कि हर साल आता है, हर साल दो बार आता है और लोग माँ का दर्शन कर अपने मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, करते भी हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।